तो गाइस एक्समैन के राइट्स मार्वल स्टूडियोज़ के पास कब के आ चुके हैं, पर हम फैंस इस बात से परेशान हैं कि क्यों अभी तक हमें म्यूटेंट्स या एक्समैन के बारे में कोई खबर नहीं मिली। हम लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस इसलिए हैं क्योंकि उनका बनाया हुआ सुपर हीरो यूनिवर्स बड़ा है और डिटेल से भरा हुआ है। प्लस मार्वल ने ये सब अचीव किया लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हुए। ये ऐसा है जैसे आपको एक हाथ बांध के खाना बनाने को कहा जाए और आप तब भी ज्यादा और अच्छा खाना बनाए। और मार्वल ने जो बिरयानी हमें खिलाई है उसकी बात ही अलग है। पर अब जब मार्वल स्टूडियोज के पास एक्समैन और बाकी कैरेक्टर्स के राइट्स वापस आ गए हैं तो अब हमें मार्वल दोनों हाथ से एक्समैन का हलवा खिला सकता है। अब मुझे भूख लग चुकी है। पर रिसेंटली एक फैन थ्योरी हमारे सामने आई जहां एक फैन ने हमें बताया कि एक्समैन ऑलरेडी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो आइए इसके बारे में और बात करें। तो गाइस आपका स्वागत है फैन थ्योरी फ्राइडे के नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे म्यूटेंट्स ऑलरेडी एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें, चलिए शुरू करते हैं। तो सही बात कही जाए तो मार्वल स्टूडियोज को अपनी मूवीज की पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है, ये काम हम फैंसी कर देते हैं। बस हमें इन मूवीज के बारे में हल्की सी हिंट मिलनी चाहिए, पर मार्वल हमें म्यूटेंट्स या एक्समैन मूवी के बारे में कोई हिंट नहीं दे रहा, तो अपन डिस्कस क्या करें। हालांकि बेनी चेतन 98 नाम के रेडिट यूजर ने हमारे साथ एक फैन थ्योरी शेयर करी कि म्यूटेंट्स ऑलरेडी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे, ये बेनी ने बताया कुछ पॉइंट्स के साथ। पहला पॉइंट है आयरन मैन 2। आयरन मैन 2 के डिलीटेड सीन में जब टोनी न्यू एलिमेंट को रीडिस्कवर करता है तब वो जार्विस को 3 प्रोजेक्ट्स की डेटा निकालने को कहता है। वो 3 प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रोजेक्ट पेगासस, प्रोजेक्ट गोलायथ और प्रोजेक्ट एक्सोडस। और मार्वल स्टूडियोज अपने डिटेल्स को खाली नहीं जाने देता। प्रोजेक्ट पेगासस के बारे में हमें दिखाया गया कि इस प्रोजेक्ट की मदद से शील्ड टेसरेक्ट की पावर्स को हार्नेस करना चाहता था। प्रोजेक्ट गोलायथ हैंक पिम और बिल फॉस्टर का प्रोजेक्ट था, जहां वो पिम पार्टिकल्स का अपनी बॉडी मास पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अब बात आती है प्रोजेक्ट एक्सोडस की, और मैं भी श्योर हूं कि केविन फाइगी ने इस रेफरेंस के लिए भी कुछ सोच रखा होगा। तो इस फैन थ्योरी के पहले पॉइंट के हिसाब से प्रोजेक्ट एक्सोडस एक शील्ड प्रोजेक्ट है जहां वो ह्यूमन म्यूटेंट्स या एक्स जीन पर रिसर्च कर रहे थे। तो ये था म्यूटेंट्स के एमसीयू में ऑलरेडी होने का पहला हिंट, या कहें पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है वांडा और पिएत्रो मैक्सिमोफ। स्ट्रकर ने माइंड स्टोन के साथ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे और उसके एक्सपेरिमेंट में सारे के सारे वॉलंटियर मारे गए सिवाय मैक्सिमोफ ट्विंस के। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि क्यों ये दोनों भाई बहन ही इस एक्सपेरिमेंट में बचे। इन्फिनिटी स्टोन्स किसी भी नॉर्मल बीइंग को खत्म कर सकते हैं, तो वांडा और पिएत्रो को इनसे पावर्स क्यों मिली। इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हो सकता है उनके जीन्स। मे बी उनके जीन्स नॉर्मल जीन्स ना हो, मे बी उनके पास ऑलरेडी म्यूटेंट जीन हो जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स के कॉन्टेक्ट में आके उनकी म्यूटेंट एबिलिटीज को ट्रिगर कर दे। अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं, जहां इन्फिनिटी सागा के अंत में एक इंसिडेंट हुआ जहां इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन के कांटेक्ट में आई। मैं यहां बात कर रहा हूं स्नैप की, जहां थानोस ने चुटकी बजा के यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से गायब किया और हमारे प्रोफेसर हल्क ने उन्हीं स्टोन्स की मदद से 5 साल बाद उन सबको वापस लेकर आए। तो यहाँ ये हुआ कि यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन में से जितने भी लोगों में एक्स जीन था उनकी पावर्स ट्रिगर हो गई और अब अर्थ पर म्यूटेंट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो थ्योरी में दम तो है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। थ्योरी के हिसाब से म्यूटेंट्स यानी एक्स जीन कैरी करने वाले लोग अर्थ पर पहले से ही थे और अब वो इसलिए दिखेंगे क्योंकि उनकी पावर स्नैप के बाद सामने आएगी। पर फिर वुल्वरीन जैसे म्यूटेंट्स का क्या, जो कि कई दशकों से म्यूटेंट रहा है, या प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो की कैरेक्टर हिस्ट्री का क्या। इनको ऐसा नहीं दिखाया जा सकता कि ये नए नए म्यूटेंट बने हैं। तो आइए इस थ्योरी को थोड़ा सा फिक्स करते हैं। पहली चीज, हम ये मान सकते हैं कि पावरफुल म्यूटेंट्स या तो छुपे हुए हैं या सबकी नजरों में नहीं आए। एग्जांपल के तौर पर वुल्वरीन शायद बस भटक रहा है। उसने वॉर देखा, उसने अपनों को खोते देखा, नई जगह नए लोगों से मिला और कई सारी चीजें हुई, पर वो सबकी नजरों में अभी तक नहीं आया। प्लस शायद प्रोफेसर एक्स कुछ म्यूटेंट्स को बचाने के लिए अपनी पावर से उन्हें सबके दिमाग से दूर रखे हैं, और ऐसा हो सकता है क्योंकि ब्लैक पैंथर और कैप्टन मार्वल भी एमसीयू में कई वक्त से थे, पर उनके साइड की स्टोरी हमें हाल ही में पता चली। यहाँ तक कि हमें वाइब्रेनियम के बारे में भी अभी क्लियर हुआ कि वकांडा में वाइब्रेनियम बहुत सारा है, जबकि पहली कैप्टन अमेरिका मूवी में कहा गया था कि आखिरी वाइब्रेनियम के टुकड़े से कैप की शील्ड बनाई गई है। तो सही मायने में इस फैन थ्योरी का रिजल्ट क्या है? इस फैन थ्योरी का रिजल्ट ये है कि हाँ, म्यूटेंट्स बहुत टाइम से एमसीयू में है और हो सकता है कि स्नैप की वजह से उनके म्यूटेंट जीन ट्रिगर हो गए होंगे और उन्हें उनकी पावर्स मिल गई होंगी। पर मार्वल स्टूडियोज हमें इतनी जल्दी एक्समैन नहीं दिखाने वाला, ऊपर से तब तो बिल्कुल नहीं जब फैंस खुद फ्री पब्लिसिटी कर रहे हैं इन कैरेक्टर्स की। और ये सही भी है, म्यूटेंट्स मार्वल कॉमिक्स का एक बड़ा हिस्सा थे जिन्हें एक छोटे मोटे इवेंट से इंट्रोड्यूस करना सही नहीं होगा, जिसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली मार्वल स्टूडियोज एक्समैन को इंट्रोड्यूस करेगा अगले इन्फिनिटी वॉर जैसे इवेंट में, जिसका मतलब अभी भी एक्समैन के मूवीज में दिखने में बहुत टाइम है। तब तक अपन फैंस मार्वल को ढेर सारा पीआर और प्यार देते रहेंगे।
तो गाइस ये थी वीडियो म्यूटेंट्स के ऑलरेडी एमसीयू में होने के बारे में। मार्वल स्टूडियोज बेशक एक्समैन को दिखाने में टाइम लगाए, पर तब तक वो हमें छोटे मोटे हिंट देता रहे। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नए फैक्ट वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि आप किस म्यूटेंट को मूवी में सबसे पहले देखना चाहेंगे। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और ऑसम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आप थॉर की अगली मूवी थॉर लव एंड थंडर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी माइटी थॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। Peace.